हेलो दोस्तों, आज हम फिर से आ गए टिकटॉक के न्यू वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर, जो टिकटॉक पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो आपने इस टाइप के वीडियो देखे होंगे, लाइट नेम वाले वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो आज हम इसी वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूँ, लाइट नेम वाले वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिक्सल ऐप, कैनवास का एप्लीकेशन और एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पे और वहाँ पर बताता हूँ इस तरह की वीडियो आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भाई का भी नाम जान लीजिए, मेरा नाम है शैलेंद्र, आप देख रहे हैं टेक्निकल शैलेंद्र यूट्यूब चैनल। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है। तो आपको सबसे पहले पिक्सल ऐप ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेयर देखने को मिल जाता है। इसके बाद प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस पे डबल क्लिक करना है और इसके बाद जो भी आपको नाम टाइप करना है यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर चुका है, इसके बाद ओके कर लेना है। ओके करने के बाद इसे प्रेस करके रखना है, इसके बाद यहाँ तक लेकर आ जाना है। इसके बाद इसे जूम कर लेना है, इसको पहले हम डिलीट कर देते हैं। इसके बाद इसे प्रेस करके रखना है, जूम कर यहाँ पर लेकर आना है। इसे अब इस तरह से आप इसे जूम भी कर सकते हैं। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसके बाद कलर पे आना है। इसके बाद यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद मिक्स कलर चेंज करना है तो मिक्स कलर भी यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रेड कलर रहने देता हूँ। इसके बाद डन करना है। इसके बाद स्टॉकेज पे क्लिक करना है, इसे आपको इनेबल कर देना है। इसके बाद डन करना है। इसके बाद शैडो को ओपन करना है, इसे इनेबल कर देना है। इसके बाद 3G टेक्स्ट पे आना है, इसको आपको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद देख सकते हैं देखने में आपको कितना बेहतरीन लग रहा है। इसके बाद इस ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे देखने में आपको काफ़ी बेहतरीन लगने लगेगा। इसके बाद डबल बॉक्स पे क्लिक करना है, इसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद शेयर पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव टू गैलरी कर लेना है। ये इमेज जो है PNG में आपको गैलरी में सेव हो गया होगा। तो काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद प्लस का आइकन पे क्लिक करना है, 16:9 का रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। मीडिया पे आना है। मीडिया पे आने के बाद जो वीडियो हमने डाउनलोड कर रखे डिस्क्रिप्शन से वो वीडियो को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग का कुछ पार्ट एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू लेफ्ट करना है। तो हमारा वीडियो जो है 8.3 से स्टार्ट होता है, तो 8.3 के लेयर पर क्लिक करना है, कैंची के निशान पर क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है। तो इस तरह से हमें एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और यहाँ पे हमें 7 सेकेंड पे वीडियो क्लियर पे क्लिक करना है, कैंची के निशान पे क्लिक करना है, ट्रिम टू लेफ्ट कर देना है, ट्रिम टू राइट कर देना है। इस तरह से एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव कर देना है। मीडिया पे आना है और आपको यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। सेकेंड वाले वीडियो क्लियर पर क्लिक करना है, 3 डॉट पर क्लिक करना है, यहाँ पर डुप्लीकेट CS लेयर पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करके रहना है और इसे आपको लास्ट तक लेकर आ जाना है। तो वीडियो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इस वाले वीडियो पे क्लिक करना है, इसे आपको डिलीट कर देना है और एक्स्ट्रा पार्ट को पहले आपसे ट्रिम टू राइट कर देना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है, इसे आपको फुल साइज कर देना है। तो आपका फर्स्ट वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पर आना है, लेयर पर आना है, मीडिया पर आना है। इसके बाद जो आपने पिक्सल ऐप से जो इमेज को आपने सेव कर रखे है उस इमेज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद क्रॉप पर आना है, इसे आपको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने से क्या होगा, वीडियो को आपको एडिट करने में थोड़ा आसान होगा। इसके बाद वीडियो को आगे तरफ लेकर आना है और इसे आपको जूम कर सही तरह से एडजस्ट कर लेना है और इसे आपको बड़ा कर देना है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड लेयर पे क्लिक करना है, कलर भी यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, तो कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। इसके बाद जो वीडियो हमने डाउनलोड करके ला रखे है तो उस वाले लेयर पर क्लिक करना है और इसे हमें क्रोमा की को इनेबल कर देना है। कलर की पे आना है, आपको ग्रीन यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा वीडियो कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको लाइट लेकर आना है, लेयर पे आना है, ओवरले पे आना है। यहाँ पे आपको एक लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, यदि आपको नहीं मिलता है तो गेट मोड पर जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे आपको थोड़ा सा जूम छोटा कर लेना है और इसे आपको सही तरह से एडजस्ट करना होगा। इसके बाद 3 डॉट पे क्लिक करना है, डुप्लीकेट ले लेना है। इसके बाद इस पर क्लिक करना है और इसके बाद रोटेट कर लेना है आपको यहाँ पे।
अब हमारा देख सकते हैं वीडियो जो हमारा कुछ इस तरह से देखने को मिल जाता है। तो बैकग्राउंड आपको सेलेक्ट जो करना है ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो इस वाले बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये बैकग्राउंड जो है आपको देखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। तो मैंने बैकग्राउंड थोड़ा गलत सेलेक्ट कर लिया हूँ, तो सिंपल मैं बैकग्राउंड को एक बार डिलीट करके देखता हूँ और इसके बाद जूम कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा बैकग्राउंड जो है काफ़ी बेहतरीन सेलेक्ट हो चुका है। इस तरह से आप चाहे तो बैकग्राउंड भी एक चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपको म्यूजिक ऐड करना है, तो सिंपल आइडियो पे क्लिक करना है। जो भी म्यूजिक आपने डाउनलोड कर रखे हैं तो यहाँ पे आपको शो कर देगा, इस पर क्लिक करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। इसके बाद इस पर प्रेस करके रखना है और लास्ट तक लेकर आ जाना है। एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम टू राइट कर देना है, सेटिंग पे आना है, आइडियो फेड आउट को ऑफ कर देना है, शेयर पे आना है और यहाँ पे आपको 3720p और 30 सेलेक्ट करने के बाद वीडियो को एक्सपोर्ट कर देना है। और वीडियो हमारा जो है तैयार हो चुका है। यदि आपको किसी वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए तो हमारा इंस्टाग्राम पे वीडियो का लिंक सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, साथ ही साथ टेक्निकल सेलेंस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।